हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन कोर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली है और इसके आगे आप एक बेहतरीन कोर्स करना चाहते हैं तो वो है मास कम्युनिकेशन। BHU में आपको अगर एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसके अलावा सीटें कितनी हैं, इन सभी की डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आगे सभी डिटेल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। आपको पता ही है कि एंट्रेंस एग्जाम इस बार जो PG का है वो NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है जिसमें और भी विभिन्न यूनिवर्सिटी शामिल है। तो सभी यूनिवर्सिटी ने अपना अलग अलग सिलेबस जारी किया है। इसमें हम खास बात करेंगे BHU के मास कम्युनिकेशन कोर्स के बारे में। तो पहले इसका कोड देख लेते हैं क्या है। ये कोड यहाँ पर आपका दिया हुआ, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये कोड आपको जानना जरूरी होगा, लास्ट में इसकी 40 है। दूसरी बात करें पेपर पैटर्न की, तो यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 है, जो की MCQ टाइप होंगे। इसमें से आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, और कंप्यूटर से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विस्तार से सिलेबस की, तो आपका जो इंग्लिश होगा उसमें ग्रामर से बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैप से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। जनरल नॉलेज में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर भी इस बार इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये काफी नई बात है कि BHU ने अपने सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज किया है। और देखिए ना, अभी आपका CUET UG हो गया, उसके बाद CUET PG भी हो गया, तो काफी ज्यादा हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में आपको ये सभी चीजें जल्दी से जल्दी सीखनी पड़ेंगी, अडेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आप इन सभी चीजों को सीख लीजिए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर बेसिक से ये भी आपको पढ़ना होगा। बात करें मैथ्स की और लॉजिकल रीजनिंग की, तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीट। मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसमें आपकी मैक्सिमम सीट रहती है 47, मिनिमम आपकी तो 40 से लेकर 47 के बीच ही ये सीट रहती है, इतनी ही आगे पीछे होंगे, मैक्सिमम सीटें आपकी जो रहती हैं वो 47 रहती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें सबसे पहले आपका जरूरी है ग्रेजुएशन होना, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपका परसेंट कितना होना चाहिए, तो 50% मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, बस आपको यही चाहिए। जनरल आपकी जो है एलिजिबिलिटी है, इसमें कुछ आपको अलग से जो है मास कम्युनिकेशन आपका बैचलर में नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। चलिए लास्ट में जो ज्यादा क्वेश्चन आता है वो फीस को लेकर आता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी फीस काफी कम रखी गई है। मास कम्युनिकेशन की आपकी फीस आपके स्क्रीन के सामने दिख ही रही होगी, 2382 रुपए, और अगर पेड सीट पर एडमिशन होता है तो यहाँ की फीस आप देख सकते हैं, ये है 20,000 रुपए, ठीक है। सेमेस्टर वाइज आपके जो यहाँ पर आपकी पढ़ाई होती है, काफी अच्छा कोर्स है, इसमें आगे स्कोप भी बहुत अच्छा है, आपको खुद के ऊपर एक डिटेल एनालाइज करने को मिलता है, आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपको बोलने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। इसके अलावा आपको मास कम्युनिकेशन में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आप राइटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से सिखाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर सभी चीजें अच्छे से डिटेल जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह और भी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे विभिन्न वीडियो के माध्यम से, जहां पर हम सिलेबस के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।